रिबॉन का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी और इसके चारों दरवाजे वगैरह जो है वो ढलने वाले थे। ये देखिए दरवाज़ों को कितना बुरा इसका हाल हुआ। पहले हमने रेडी हुई ली है, रेडी हुई परचेज की है, 3400 है, 2700 है। अब कोयला तो प्लग, अच्छा मैं प्लग भी अपने को लग ला के कोयला भी ला के चेक करके क्लियर करके फिर तुम्हें दसांगा। यही ही मसला कहाँ चलाते रह गए ये गाड़ी, कहाँ चलाते रह गए Get ready for our daily vlog. Assalamualaikum everybody, once again welcome to the another vlog. उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब घर ऑफिस से होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ईद की छुट्टियां जो है वो बड़े ही धमाकेदार गुजारी होगी और बकरे वगैरह जो हैं और कोश वगैरह जो है वो सही करके जो है ना दबाया होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ चुके हैं और मैंने कहा क्यों ना अब एक मिशन किया जाए कि इस मिशन के अंदर जो है हमने व्लॉग्स जो हैं वो स्किप नहीं करने, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो हमारी प्रोजेक्ट्स के ब्लॉग्स जो हैं वो सही तरीके से बन नहीं सकते। तो मैंने कहा यार स्टार्ट से एंड तक क्यों ना अब ये देखें इस बंदे के काम चेक करें। तो मेरा ये इरादा है कि मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग्स जो हैं वो स्किप नहीं करने, डेली बेसिस के अंदर आप लोगों के लिए जितने भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो जो हमारे पास जो इशूज़ आ रहे हैं, जो क्यूरीज आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है। और इंशाल्लाह ताला कुछ अर्से बाद आप लोगों को इतना जोगा बना लेना है कि आप लोग भी अपनी वर्कशॉप बना सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ छोटी सी लेके बड़ी तक हर चीज़ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें, अगर आप लोगों ने स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद ऑटोमोटिव और ऑटो एंटरटेनमेंट की वीडियोज़ जो हैं वो आप लोग देख सकें। सो फिलहाल हमने इस पूरी ईद का टूर जो है ये इस अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत से वीगो 2017-18 वाले मॉडल के ऊपर किया है। इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा सफ़र रहा है। बहावलपुर का हमारा टूर था इस ईद का, घूमे फिरे भी हैं और कल रात को ही वापस हुई है और इसको हम तकरीबन वापसी के ऊपर जो है 160-170 की स्पीड के ऊपर आए हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ बताता जाऊँ कि देखें आप लोग नॉर्मली क्यूरीज आपकी होती हैं कि हम सस्ते पैकेज के अंदर जो है वो ओल्ड वीगो को लेके रीवो के अंदर कन्वर्ट करवा लें। देखें रीवो के साथ मुकाबला नहीं है मेरे भाई, रीवो जो है उसकी अपनी सस्पेंशन, उसका अपना कम्फर्ट है और उसकी अपनी ड्राइव है। वीगो की अपनी सस्पेंशन है, वीगो का अपना कंफर्ट है, वीगो का अपनी ड्राइव है। तो वीगो के साथ जो है वो रीवो को कंपेयर ना किया करें। और हाँ, अगर आपने लुक वाइज अगर आपने सेम रखनी है गाड़ी, लुक वाइज जो है आप वीगो से कन्वर्ट करके रीवो के अंदर जाना चाह रहे हैं, रोको के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो वो लेके आ सकते हैं। अगर आप कहें यार हमारा उठना बैठना गाड़ी के चलना उस जैसा हो जाए तो ये यार बेवकूफ़ों वाली बात है, मेहरबानी किया करें इस तरह की क्यूरीज भी हमारे सामने ना रखा करें। और आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने के लिए इंशाल्लाह हमने व्लॉग स्टार्ट किए हैं और इस व्लॉग्स के अंदर मैं आप लोगों को हर एक एक डिटेल बताता जाऊंगा। आज वर्कशॉप का फर्स्ट डे है और कोशिश ये है कि बच्चे वगैरह जो हैं वो काफ़ी हद तक आ चुके होंगे, अगर नहीं भी आए होंगे तो यार फ़ोन करना पड़ेगा, क्या करें मजदूर बंदे। चलते हैं वर्कशॉप और इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या सीन्स चल रहे हैं। जी हम अपनी गली पहुंचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक ऑन वर्क। ये है वो रिवो जिसको हमने इस पूरे ईद में एंजॉय किया और वर्कशॉप का छोटा सा टूर करते हैं। ये एक 80 सीरीज है जिसको हम रिस्टोर कर रहे थे ईद से पहले, बल्कि ईद से पहले नहीं तकरीबन तीन मंथ इसको हो गए थे हम रिस्टोर कर रहे थे अपनी ज़ात के लिए। ये एक रिबॉन का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था और इसको भी हमने कंप्लीट तैयार करना था ईद से पहले, लेकिन तो दरवाज़े इसके सारे गले हुए थे। तो हमने कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड की हैं कि आप ये सारी चीज़ें करवा लें तो आपकी गाड़ी जो है वो इन दी एंड कोई 9 से 10 साल आगे चल सकती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कुछ इस तरह की गाड़ी के ऊपर पैसे जो हैं वो कम से कम लगें, तो हमने कहा यार पैसे कम से कम लगें और गाड़ी आगे बहुत अच्छी तैयार हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ियां एक ऐसी चीज़ हैं जिन्होंने रफ़ एंड टफ़ जो है वो चलना है और इसने अच्छे बुरे हालात में आपका साथ देना है। तो इसके बारे में उनसे डिस्कशन चल रही है, गाड़ी इसलिए पेंडिंग हो गई है। और ये एक लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ है
इसको भी हमने कंप्लीट रिस्टोर करना है और इंशाल्लाह इसकी भी पूरी कंप्लीट वीडियो जो है इंशाल्लाह जल्दी आप लोग देखेंगे। चलते हैं अंदर वर्कशॉप के अंदर और देखते हैं कि वहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स हुए हैं, हम लास्ट टाइम जो है वो पेंडिंग छोड़ के गए थे। इतना कोई बंदा खास नज़र नहीं आ रहा। ये एक क्रोला थी यार, छः सात का मॉडल, उसे कंप्लीट रिस्टोर कर रहे हैं। इसको ईद से पहले हम पेंट लगा के गए थे और अब जो है मिट्टी वगैरह इसका वैसे साफ हुई थी दरमियान में, मेरे ख्याल से कंप्लीट इंटीरियर इसका रिस्टोर किया है। और तकरीबन काफ़ी हद तक इसके हालात जो अच्छे हो गए हैं। जनाब क्या हाल है, कितने बच्चे आया, कोई नहीं आया? आए हुए थे सुबह तो बोल रहे थे। अच्छा सफाई सफाई की है भैया जी, भी नज़र नहीं आ रहे, नाश्ता करने तो नहीं गए? पता नहीं, मैं तो आया ना, बोल रहे थे वापस चला जाना। अच्छा अब नहीं है कोई भी नज़र तो नहीं आया, वर्कशॉप खुली पड़ी है सारी। तो ये एक प्राडो फॉर सेल के लिए आई हुई थी और बड़ी अच्छी प्राडो है। हमने मैंने इसका लास्ट टाइम रिव्यू भी किया था कि ये गाड़ी जो है फॉर सेल है, एक 100 सीरीज़ है से 300 सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट पेंडिंग है, चार प्रोजेक्ट बल्कि इससे पहले जो आए थे, जो कि हमने ईद पे ऑफर लगाई थी उसके ऊपर चार प्रोजेक्ट्स आए थे, वो हमारे गोदाम में खड़े हुए हैं। दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टूडियो में खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ इस तरह नहीं खड़ी कर सकते, जो स्टार्ट गाड़ी हैं वो हम यहाँ नहीं खड़ी कर सकते वर्कशॉप्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने लॉक ताला वगैरह लगाना होता है। ये एक लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ ज़ीशान साहब की, हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले पेंट करके गए थे और पेंट हो चुकी है ये गाड़ी भी, और इंशाल्लाह इसको भी जो है ना बैक टू बैक इसी वीक के अंदर जितना पॉसिबल हो सकेगा हम वर्कलोड जो है वो अपना कम करेंगे। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे गर्मी का फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है। और कह रहे हैं गोरे हो के आ गए हैं, क्या हाल है मस्जिद भाई, ठीक ठाक हैं? और काम शाम है? चलें। अच्छा ये प्राडो आपने देखा होगा, लास्ट टाइम एक प्राडो मैंने आपको दिखाई थी जो वहाँ पे खड़ी हुई थी और बड़ी यारों मददगार, फ्रंट इसका डैमेज हुआ हुआ था और गाड़ी जो है वो लोड होके हमारे पास आई थी। तो ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद पे तैयार करके भेजा था इसे, और कंप्लीट गाड़ी ये तैयार हो गई थी और बड़ी खूबसूरत सी एक लुक निकली है, लेकिन इसके छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा काम थे जिसके लिए भाई दोबारा गाड़ी लेके आए हैं ईद के फ़ौरन बाद ही। तो काम उसके ये थे कि इसकी छोटी छोटी मिसिंग पार्ट्स, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स जो थे वो उसके मिस हुए हुए थे, और इसकी कुछ चीज़ें हमने इंस्टॉल की थी वो भी हमसे डैमेज हो गई थी, वो भी दोबारा चेंज करने वाली हैं। स्क्रीन जो है वो न्यू लगी थी इसकी, लेकिन यहाँ से ड्रॉप्स जो हैं वो अंदर जाते हैं, वो भी दोबारा से रीचेक करने हैं। डैशबोर्ड के कवर्स वगैरह इसके मिस थे, और बाकी इसका मेजर और तो कोई मेजर काम नहीं है ना इसके, ये 3-4 कामों के अलावा और तो कोई मेजर काम नहीं है? नहीं और कोई अभी काम नहीं। चलने में कोई मसला या साइड कैंचरी हो? नहीं नहीं कोई साइड नहीं, अलाइनमेंट हमने करवा ली भी। अच्छा करवा ली, सारा कुछ करवा ली, सारा कुछ ओके है। सिर्फ ये उसके जो छोटे छोटे काम हैं, ये काम इतने उठ जाते हैं, दे देनी है? अच्छा चाइना बॉर्डर पे जाएगी, चाइना बॉर्डर पे जाएगी, स्टीयरिंग का है वो एक साइड से ऊंचा, एक साइड से क्या मतलब स्टीयरिंग ऊंचा नीचे? ये देखिए इधर से हरन नहीं बज रहा। अच्छा ये मैं करवा देता हूँ सर, ये इधर से ऊंचा, इधर से ये करवा दूं मैं, ये ना स्टीयरिंग का ना एक साइड से ना स्प्रिंग जो है ना वो जरा ज्यादा खींचा हुआ है, वो जरा चेक कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैरियर से पहुंच गए। अच्छा मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बोला गाड़ी ये पहले कहाँ से तैयार हुई है? वहाँ से तो साइज तो लग रही थी वैसे। वैसे बाहर से भी काम इसके काफ़ी होने वाले हैं, ये बम्पर्स वगैरह पेचों से लगी हुई हैं, बॉडी किट्स खुली हुई हैं, ये भी क्रैक हुआ हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ से बम्पर आपका, बाकी अब तो हर जगह ही हो रही है।
अच्छा मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंटीरियर खाली छोटे छोटे तो काम इसके बॉडी के बहुत सारे होने वाले हैं, बॉडी किटें सेट होने वाली हैं, ये इसकी ओवर फेंडर सारे खुले पड़े हैं, ये सेट होने वाले हैं, साइड साइडें कंप्लीट, सिर्फ साइडें हो जाएं, ये बस कार्ड्स वगैरह ना पियो, पता है वो ये एंडर कार्ड्स होते हैं मतलब डबल शेप में, वो ना पियो कोई इशू नहीं है, बस ये खत्म हो जाए ना, ये इससे चीज लगती है, मैं तो यही दिल है ये भी खत्म हो वारंटी भी चाहिए, ये ऐसे लग जाएंगे यार इसके ऊपर, क्योंकि दरवाजे सारे तैयार होते हैं अंदर, आप कह रहे हैं दरवाजों की गुलाइयाँ ना हो, सिर्फ ये खत्म हो जाए? हाँ सिर्फ ये खत्म, वो तो बहुत बुरी लगेगी गाड़ी, बुरी लगेगी, ऐसे फिर भी कुछ सही लग रही है, कल को बेचनी पड़ भी गई जाए तो बिक जाएगी, ऐसे बिकेगी नहीं गाड़ी आपकी, आपका ब्लैक होगा क्योंकि ये बीज है, बेज है, ये ब्लैक हो जाएगा, ये डोर के पैड्स ब्लैक हो जाएंगे और वो डोर वाले पैड्स ब्लैक हो जाएंगे, सेंटर कंसोल ब्लैक हो जाएगा, बाकी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसका सामान सारा बेज है, ये देखें ये वाली पट्टियाँ इसकी बेज हैं, ये नीचे वाली इसकी पैड्स बेज हैं, मतलब वो बहुत महंगे पड़ जाएंगे, महंगे पड़ जाएंगे, अगर आप कहेंगे पेंट लगा दें तो पेंट तो हम कर देंगे इसके ऊपर आपको, लेकिन वो कोई खास फिनिशिंग नहीं आएगी, फिर ये देखें ना ये दरवाज़ों के ये वाले इसकी रबड़ें ये बेज हैं, इनके साथ आप क्या करेंगे, इनके साथ तो कुछ नहीं ना कर सकते, ये अगर हम चेंज करने पर आ जाएंगे ना तो वो कॉस्टिंग ऊपर जाती रहती है, कॉस्टिंग बहुत ऊपर चली जाती है, आप क्या कहते हैं? गया बच्चा गया हुआ क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए इसको, बेज में ही करवा लें, बेज में करवा, बेज करवा लें, नीट हो जाएगी, बेज में करवा लें नीट हो जाएगी, चलें बेज, गुरदेव भाई ने तो वाह गाड़ी मारी हुई है, तोड़ भी दिए यहाँ से, क्या बात है, बॉडी किट भी सारी आवाज आ रही है, क्या दिलावर वो कह रहा भाई मैंने कर दिया, मैं उसको कह तो रहा हूँ लेकिन वो अभी भी कह रहा नहीं यार, उसका ना इसका कंप्रेसर खराब है मेरे ख्याल से, गुदरेज भाई ये तो नहीं होना सही, ये बॉडी किट ये तो आपने क्रोम चेंज की कर दिया, खराब हो गया बॉडी किट चेंज या क्रोम चेंज, क्रोम मिलना नहीं खाली, ये प्लग होंगे या फिर इसकी कॉइल होंगी, न्यूट्रल पे करो ना तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्राडो है, ये मैकेनिकल के लिए लेके आए हैं, इसके अंदर बेसिकली मसला ये आ रहा है कि इसकी जो कॉइल्स हैं तो ये कभी कॉइल जो है इसकी मिसिंग कर रही है, इसकी वजह से गाड़ी जो है वो प्रॉपर स्टेबल नहीं खड़ी हो रही, तो इसको अभी फिलहाल राणा साहब के पास लेके आए हैं ताकि इसका जो है ना प्रॉपर, हाँ जी पढ़ाएँ ये हमारे गुलरेज भाई फिर आए हुए एक दफ़ा दोबारा, इन्होंने हमें फाइनल वीडियो तो नहीं दी थी, गुलरेज भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपने सारी गाड़ी का आपने सत्यानाश कर दिया है यार, इसका अच्छा खासा काम निकला है, आगे भी छोटा छोटा काम है, तो दोबारा मेंटेनेंस के लिए आपने टाइम वैसे दिया नहीं है हमें, आपको चाहिए था इसकी एक दफ़ा ना दोबारा मेंटेनेंस करवा लें, ये देखें दरवाज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा आप ये निशान लगे हुए हैं, ठीक है जानबूझ के लोग मार जाते हैं, बस यार कुछ ना कुछ है, लोग जलते बहुत ज़्यादा हैं, जलते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप एक तो हसीन भी बहुत प्यारे ज़्यादा है ना बॉडी किट भी आपने सारी आगे से ख़राब की हुई है, ये भी देखें आगे से सारी छिली हुई है, बोनट पे इतने ज़्यादा डेंट हैं, क्या वजह इसकी? बेलें कटाते हैं इसके ऊपर खड़ी होकर? जी बिल्कुल, हाँ क्या कराते हैं तो ये हमारे गुलरेज भाई हैं, गुलरेज भाई कितने अरसे बाद आए हैं वापस दोबारा? 6 माह बाद आए हैं, 6 माह बाद आए हैं जी, गाड़ी का वैसे काफ़ी ज़्यादा काम निकाला है आपने, सारे निशान इतने, इसको क्या होगा शीशे को? बस चक्के वाला साइड से टक्कर लगा, सारी जहान की लोग जो है ना आपकी गाड़ी में आके बस यही पूछे सर कोई समझ नहीं आ रहा, सदका सुदका उतार दिया करें, वो डेली बेस पे हैं जी
अच्छा इनके कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ है, गाड़ी के छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा काम है। ये गुलरेज भी हमारे बड़े फेमस वीडियो में जो इनका जो है ना इनपुट था, इनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। इनकी ये गाड़ी थी जिनकी हम फाइनल वीडियो नहीं बना सके, तो इनकी गाड़ी के मज़ीद छोटे छोटे काम है काफ़ी ज़्यादा, और उनके लिए दोबारा आए हैं, आज ही आए हैं। वो एक प्राडो हमने तैयार की थी, वो भी इसका भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा काम उसके हो गए हैं, कुछ होने हैं। अच्छा इसके साथ साथ जो है अभी ये गाड़ी हमने रिसीव कर ली है मैंने, इसका क्या करना है, इसका कंप्लीट इंटीरियर जो है ना दोबारा से तैयार करना है। ये गाड़ी थी ओल्ड मॉडल था और इसको फ्रंट और बैक से फेस लिफ्ट किया हुआ था। ये भी आपकी है, रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार अभी अभी मुलाकात हुई है, ऐसे ही जी जी। क्या कहते हैं, वाले साहब से पहले भी मेरी मुलाकात है। अच्छा, हमारे शहर से आए हैं, सिटी से, गुजरात से जी। तो इन्होंने तैयार गाड़ी ली थी, मुझे अभी बता रहे थे जी जी, इसका ना डैशबोर्ड वगैरह इन्होंने सारा चेंज करना है। तो अंदर से गाड़ी की बड़ी बुरी हालत है, ये देखें सारी गाड़ी उन्होंने वाइट की हुई है, सारी गाड़ी वाइट की हुई है। अब जिसने भी की है अल्लाह भी उसे अच्छी ज़िंदगी दे। तो ये देखें सारी चीज़ें इसकी उखड़ी हुई है, सारी चीज़ें चेंज करनी है बाइट से। क्या इसको हमने सिर्फ मेंटेनेंस करनी है, क्योंकि छोटे छोटे काम है बाइट से, बाकी इसकी मेंटेनेंस के अलावा अंदर से इसका सारा हमने दोबारा से रिन्यू करना है। आप बताएँ क्या खिदमत करें आपकी? सर हमारे ये छोटे छोटे काम हैं। अच्छा, तो ये हमें क्लियर करवा दें, आप टाइम बहुत कम देते हैं। अच्छा, हम आपके पास आए 6 माह बाद, हमें जो ये छोटे छोटे काम हैं ये क्लियर करवा। अब आप लगे ना गाड़ी के साथ, आपकी मौजूदगी के साथ साथ काम होते रहेंगे आप जी। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज का दिन भी जो है वो तकरीबन गुजर गया है, और आई लाहौर में शिद्दत की गर्मी पड़ रही है जहाँ तक मेरा ख्याल है, बल्कि मैंने चेक भी किया था 48 तक जो है वो टेम्परेचर गया हुआ था, और तकरीबन इस टाइम 5:30 बज रहे हैं, अभी असर की नमाज़ पढ़ के बैठे हैं। और गाड़ी जो है तकरीबन ये भी फाइनल हो गई है, इसके भी छोटे छोटे काफ़ी काम थे सारे तकरीबन हो गए हैं। एक वाइपर शावर नहीं चल रहा था, वो भी चल गए। उमैर इसके क्या क्या काम हो गए हैं और क्या क्या रह गया सुबह से अभी तक? इनका भाई का वो शावर चालू किए हैं, ठीक है, बेल्टें काम नहीं कर रही थी सही, वो बेल्टें की हैं, और वो भाई साहब ने वैसे शो सेट की है, ठीक है, और ये स्क्रीन का काम किया, स्पीकरों का काम किया, कुछ स्पीकर नहीं चल रहे थे, वो आगे डैशबोर्ड वाले जब दरवाजे के, बाकी कुछ रह गया, बाकी बस वो इनका रह गया, मैं चिकन मैट रह गया एक, इसका भी रेडिएटर जो है वो चौक हुआ हुआ था, बल्कि इसका भी क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा ओवरहीट कर जाती हैं, और एसी जो है बार बार ट्रिप हो जाता है हीट की वजह से। तो इसका भी रेडिएटर खोल के दोबारा से सर्विस किया, क्योंकि गाड़ी दोबारा मेंटेनेंस के लिए आई हुई थी, और इस गाड़ी का भी रेडिएटर जो है वो दोबारा भी चेक कर रहे हैं, बल्कि इसका हाइट कंट्रोल का पंप भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट जो है आज लाजमी भेज दें, क्योंकि इसका तकरीबन दाम ख़त्म हो गया है। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी गुजर गया, और अभी फ़िलहाल जो है आप लोगों की याद होगा कि हमने एक ग्रीन गाड़ी तैयार की थी, उसका जो है बेसिकली हमने बॉडी और इंटीरियर का काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसका मैकेनिकल वाइज जो है उसका क्लच बक्सा जो है उसका ख़राब हो गया, क्योंकि गाड़ी मैनुअल थी। अभी फ़िलहाल वही गाड़ी खींच रहे हैं, डाले के साथ पीछे ही टॉचिंग कर रहे हैं, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि अभी इसको स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करके जो है क्योंकि क्लच काम नहीं कर रहा, और क्लच इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि क्लच काम नहीं करेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो बेसिकली क्योंकि गाड़ी गियर में नहीं आ रही, तो कोशिश करते हैं कि इसे किसी तरह जो है वर्कशॉप लेके जाएँ, इसका मेरे ख्याल से क्लच बक्से का काम है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आज की जितनी भी व्लॉग्स वगैरह हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए सही से व्लॉगिंग हो नहीं सकी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर हम कोशिश करते रहें और आप हमें सपोर्ट करते रहें, तो इस तरह ही इसी तरह की वीडियोस जो हैं हम डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ ऑटो एंटरटेनमेंट की शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।